दो किलोमीटर दूर लोहागाड़ वाली रोड पे। बहुत ही सुंदर आ रहा है। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज है संडे, यानी कि जुलाई महीने का लास्ट दिन, लास्ट संडे। तो दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे? से आप सब लोगों का दिनेश थॉल ब्लॉग में स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, चंपावत से होते हुए जाऊंगा मैं, और यहाँ पे जो छतार पे डीएम आवास हो गया, एसडीएम आवास हो गया, ये चीज़ें यहाँ से होते हुए मैं जाऊंगा, तो आप लोगों को दिखाऊंगा ये पूरी चीज़ें। तो मैं अभी यहाँ से निकला हुआ हूँ, जीआईसी चौक पे पहुँचा हूँ, और अब आप देखते रहिएगा कि आगे क्या क्या ज़बरदस्त सीन है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं अभी पहुंच रहा हूं छतार पुल के पास। अभी छतार पुल से ही मैं उस तरफ कटूंगा जिस तरफ के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा था। इस रोड से कटूंगा और यहां से सीधे डैम आवास से होते हुए निकलूंगा आगे के लिए। और मेन उद्देश्य मेरा यहाँ का, आज फर्स्ट बार उस रोड पे जा रहा हूँ जिस रोड के बारे में मैं एक बार पहले भी वीडियो पे चर्चा कर रहा था कि मुझे उस रोड से जाने का बहुत शौक है। सो मैं आज उसी रोड से जाऊँगा। इसी रोड में दीप्तेश्वर मंदिर भी पड़ता है जो यहाँ पे है, ये नीचे को पड़ते हैं। और इसी के पास सुंदर सा पार्क जो मैं आपका वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दो रोड कटी हुई, मैं ऊपर वाली रोड से होते हुए जाऊँगा। यहाँ से स्टार्ट होता है डीएम आवास का रास्ता, और कितना सुंदर लग रहा है। देखो दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन आज तो मौसम भी काफ़ी सुंदर है, मौसम ने भी साथ दे रखा है। देखो क्या मस्त बादल छाए हुए हैं, और यहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर सा व्यू है। यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, ये देख सकते हो आप लोग आवाज़, लेकिन पूरा तो नहीं दिखाई देगा और अंदर मैं जा नहीं सकता हूँ, इसलिए रोड से ही दिखाऊंगा चलते चलते ही। तो पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छा सा अच्छा व्यू आए। देखो कितना सुंदर लग रहा है, काले बादल छाए हुए हैं और ज़बरदस्त रोड बनी हुई है, इधर उधर पेड़ और हवाओं की सन्नाटा। मैं आधे रास्ते में पहुंचा हुआ था, सो यहाँ पे जाते ही स्कूटी का तेल ख़त्म हो गया है, और आज मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मतलब बीच रास्ते में तेल ख़त्म होना। तो मैं यहाँ से अब वापस हो जाऊँगा नीचे को ही, क्योंकि ऊपर को तो जाएगी नहीं, अब नीचे को पूरा डाउन है, तो यहाँ से चले जाएगी पेट्रोल पंप तक आराम से। तो वहाँ जाके मैं इसमें पहले तेल भरवाता हूँ, उसके बाद अब शायद ही ऊपर को आ पाऊँगा, क्योंकि अब यहाँ से नीचे जाऊँगा। और आप लोगों को मैंने आवाज़ तो यहाँ से दिखाई दिया, चलते चलते ही दिखाया, रुक के अंदर नहीं जाना पड़ता है, वहाँ पे जाना मना है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को आवाज़ तो दिखाई दिया। उस रास्ते से भी मैं आ गया, आधे से ज़्यादा ही रास्ते में पहुँच गया था, सो आधे रास्ते से ज़्यादा जाने पे तेल ख़त्म हो गया था, तो मैं अब यहीं से वापस होता हूँ। यहाँ पूरे चीड़ के पेड़ लग रहे हैं, देखो चीड़ का जंगल है यहाँ पे, जहाँ पे मैं रुका हूँ अभी, ये देख सकते हो आप लोग। इस चीड़ से भरा हुआ जंगल कितना सुंदर लग रहा है। मैं यहाँ से वापस हो चुका हूँ, मेरे साथ पहली बार हुआ आधे रास्ते में तेल ख़त्म होना फिर वापस होना, तो मैंने पहले चेक नहीं किया ना अच्छे से, तो मैं सीधा निकल आया, क्योंकि मेरे को इस रोड में आने का ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं यहाँ पे रुका हूँ, यहाँ से मैं आप लोगों को पार्क का सुंदर सा व्यू दिखाता हूँ और बताता हूँ कौन सी कहाँ पे क्या जगह है। और सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ चंपावत का आईटी कॉलेज, जो सामने पे रहा चीड़ के पेड़ के सामने, वो चीड़ का पेड़ लगा हुआ है आगे, और यहीं पे पेट्रोल पंप भी है सामने, लेकिन मैं इस पेट्रोल पंप के पास नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नीचे चला जाऊँगा तो ऊपर नहीं आ पाऊँगा। और ये रहा पूरा छतार का एरिया, पूरा एरिया ये छतार का एरिया है, नीचे वाले पेट्रोल पंप के पास जाऊंगा मैं। और
यहीं से ये मार्केट का नज़ारा आता है सामने पे, काफ़ी सुंदर नज़ारा आ रहा है यहाँ से छतार का, जो चंपात पे ही है, चंपात मार्केट से 2 किलोमीटर दूर लोहागाड़ वाली रोड पे। बहुत ही सुंदर आ रहा है, और एक बार आसमान पे भी नज़र डाल लो, देखो ये रहा। तो अब मैं फिर चलता हूँ, डाउन ही है यहाँ से जाऊँगा, जो ये सामने पे रोड दिख रही है इस रोड से नीचे को जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा आगे तो मैं इसलिए आ गया यहाँ से मैं आप लोगों को सुंदर सा व्यू दिखा पाऊँ करके। और यहीं पे एक पार्क भी है, लेकिन ना चंपात में भी कम से कम 3-4 पार्क तो हो ही गए हैं, नहीं नहीं सब नए हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ से पेट्रोल पंप के पास। तो मैं फाइनली यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास पहुँच गया हूँ, और जहाँ जहाँ पे धक्का लगाने जैसा था मैं धक्का लगा के ले आया, बाकी थोड़ा बहुत बचा था तो उससे खींच खांच के यहाँ तक मैंने पहुँचा दी। लेकिन आप लोग कहोगे कि झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठ नहीं, सच्ची बात है, तेल ख़त्म हो गया था वहाँ से मैंने धक्का लगा के लाया। मैं अकेला गया हुआ था तो अकेले में धक्का लगाते हुए वैसे नहीं दिखा पाता, तो अब मैं यहाँ पे तेल भरवा लेता हूँ। कोई नहीं, मैंने तेल भरवा लिया है, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, कमरे की तरफ नहीं जाता हूँ, क्योंकि अब वापस तो यहाँ से कहाँ जाता हूँ। तो मैं वहाँ से आके कमरे में पहुँच चुका हूँ, और मैंने दैनिक में निकाल लिए। उस टाइम तो काफ़ी गर्मी हो रही थी, धूप लगी हुई थी, तो गर्मी जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन अभी खोला तो ठंड ठंड महसूस होने लगी, क्योंकि अभी कमरे में ही तो इसलिए नहीं पहन रखा है, खोल दिया मैंने। तो अभी वीर जी से मिलाता हूँ अपने। हमारे वीर जी तो हुए हैं गुस्सा, किसको देख के हुए हो गुस्सा हैं? ए किसको देख के गुस्सा हुए हो? छोड़ यार, तो सिकान बोल रहा है पर्दे में। वीर जी तो गुस्सा हो रखे, पता नहीं क्यों हो रखे हैं। तो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम जल्दी अगले न्यू व्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।